ताजमहल के बारे में सुना ही होगा. ताजमहल इज क्वाइट प्रीटी, इजंट इट? एक्चुअली इट इज. तो सवाल ये उठता है कि ताजमहल ने अपनी सुंदरता पाई कैसे. तो मैं कवित्री हूँ, ताजमहल से पूछती हूँ कि रे ताजमहल बतला दे तू, रे ताजमहल बतला दे तू, ये सुंदरता किनसे पाई. क्या शाहजहाँ के टुकड़ों से तुझे रंग बिरंगा प्यार हुआ. कवियों ने भी कविताओं में तेरी सुंदरता दर्शाई, कवियों ने भी कविताओं में तेरी सुंदरता दर्शाई. इस कारण मैं भी पूछ रही ये सुंदरता किनसे पाई, बस यही एक संशय दिल में, बस यही एक संशय दिल में. जिसको भी आज मिटा दे तू, तेरी यह दर्द भरी गाथा दिल खोल आज सुना दे तू, तेरी यह दर्द भरी गाथा दिल खोल आज सुना दे तू. अब ताजमहल मेरे को क्या जवाब देता है. नहीं बड़ी कहानी है इतनी, नहीं बड़ी कहानी है इतनी, जो श्वेत कागजों में फैले, इससे पहले अपना रुमाल तो अश्रु पहुंचने को ले ले. वो भीमकाय पत्थर लेकर ऊपर चढ़ने को जाते थे, वो भीमकाय, भीमकाय मतलब बड़े, वो भीमकाय पत्थर लेकर ऊपर चढ़ने को जाते थे, कुछ गिरते मरते दबते पर कुछ ऊपर तक चढ़ जाते थे. हाँ एक तरफ भूखा गरीब, हाँ एक तरफ भूखा गरीब भारी पत्थर उठवाता था, दूसरी तरफ उसका लड़का रोटी की मांग लगाता था. बच्चे की दशा देख करके उस तरफ पसीना आता था, हाथों से छूटता था पत्थर नीचे गिरकर मर जाता था. उधर भूख से व्याकुल हो बच्चा भी प्राण गंवाता था, उसकी माता को दूसरी तरफ कोई हाल सुनाता था. पति बच्चे का मरना सुनकर छाती उसकी फट जाती थी, पति बच्चे का मरना सुनकर छाती उसकी फट जाती थी. वह हाय गरीबों का शोषक यह कह करके मर जाती थी. सिर्फ तीन नहीं ऐसे अनेक जिन्होंने जान गंवाई है, उन कृषक ग्वालों के बल पर मैंने सुंदरता पाई है, उन कृषक ग्वालों के बल पर मैंने सुंदरता पाई.